बिसमिल्लर रही अलैक्म आप देख रहे हैं टेस्टी डिनर यूट्यूब चैनल तो आज आपको मेरे किचन में मिलेगी परफेक्ट ओरिजिनल हलवाई जैसी खोई की रेसिपी जिसको हम बहुत आसानी से घर पर दानेदार ही तैयार करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो ये सब देखने के लिए आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है बिल्कुल स्किप नहीं करना है रेसिपी समझ आए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है लाइक करना है ज़्यादा शेयर करना है तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं दूध मैंने लिया है तीन किलो खोया बनाने के लिए और ये भैंस का दूध लिए और अच्छा गाढ़ा ही लिया है मैंने आप लोगों ने भी अच्छा गाढ़ा दूध लेंगे तो ही आपका क्या है कि खोया भी अच्छा बनेगा और उसकी खोए की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी पतले दूध की बहुत कम होती है और सही बनता भी नहीं है तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और जो मैंने इस दूध को है पहले सुबह के टाइम एक उबाल दे लिया था तो अच्छी मलाई भी जम गई है इसको मैं साइडों से क्लीन करती हूँ गैस मैंने ऑन कर दिया है बस हाई फ्लेम पर इसको हम पहले उबाल लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करना है तो देखें, काफी अच्छा उबाल इसके ऊपर आ गया है बस हमने कुछ भी नहीं करना ऐसा ये करना है वो करना है कुछ भी नहीं करना इसमें कुछ भी नहीं होता बस क्या होता है इसमें खोया बनाने में आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है बस पतीला आपको बड़ा रखना है जिसमें आपने इस दूध को पकाना है और क्योंकि बड़ा होगा इसमें यह होगा आपके दूध के गिरने का ज़रा क्या है कि ख़तरा कम होगा वरना क्या है दूध एकदम से उबलता है ऊपर की तरफ आता है उसके झाग सारे नीचे गिरते हैं बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और ये देखें मेरे भी तकरीबन मुझे भी पच्चीस मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए पर यह नहीं कि मुसलसल चला ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा चलाती हूँ फिर रोक देती हूँ हाथ बीच बीच में से करती रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी हद तक दूध यूज़ हो चुका है डेढ़ किलो जितना तो रह ही गया है और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी आ गई है तो बस इसी तरह ही हमने इसको चम्मच को चलाते हुए और साइड्स जो है वो हमने लाजमी क्लीन करनी है क्योंकि ये खोया मलाई सी जो जम जाती है इसको हमने बीच में शामिल करते जाना है अगर साइड्सों पे लगी रह जाएगी तो क्या होगा उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो हमें वो कलर नहीं देना मुझे तो खैर पसंद नहीं है मुझे मोतिया कलर ही पसंद है अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप इसको लो फ्लेम पर ही पकाएं तो ज़्यादा मतलब कलर मतलब ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा पर मैं जो हूँ तकरीबन मुझे पैंतीस से चालीस मिनट लगते हैं तकरीबन पौना घंटा लगता है और बेहतरीन खोया तैयार हो जाता है ये देखें जनाब चालीस मिनट हो गए हैं तकरीबन चालीस से पैंतालीस मिनट और खोया जो है वो ऑलमोस्ट तैयारी पर ही है पैंदा कितना अच्छा छोड़ रहा है दानेदार बेहतरीन जो खोया तैयार हो गया है बस सिंपल हमने दूध को रिड्यूस करना है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर सिंपल तरीके से तैयार हो जाएगा बेहतरीन खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है क्योंकि ये तैयारी पर है तो बस इसी तरह इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं जो है वो पकाऊंगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ठीक होगा और दानेदार तभी होगा लोग देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया है मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ चम्मच को चलाती रहूंगी इसी तरह और उसको ठंडा करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारा बेहतरीन दानेदार खोया कैसा लग रहा है तो लीजिए जनाब माशाला से बेहतरीन दानेदार खोया बाज़ार से भी कई गुना अच्छा हमारा खोया हो गया तैयार आपने ज़रूर बनाना है ट्राई ज़रूर करना है दानेदार आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है मैंने बहुत कम ऐसे एडिट किया है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आए आप लोगों से कहीं गलती ना हो तो अगर कुछ समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यह मसला है मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी आपने ज़रूर बनाना है ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे दुआओं में याद रखना है अल्लाह हाफिज़